मुफ्त की राजनीति का आप अर्थशास्त्र बता दीजिए। मुद्दों का दिवालियापन जो है पार्टियों के अंदर आ जाए, उनकी वैचारिक जो है मुद्दों पे वैचारिक बात करने के लिए वो उनकी उनका विवेक शून्य हो जाए, उनको एनालाइज ही ना कर पाए कि स्टेट में क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो है हम उन मुद्दों को सुदृढ़ करेंगे, यानी विकास जो होता है, जब वो उनके दिमाग में नहीं आता है तो उलझने की बातें, जिसमें मुफ्त की बातें करना एक सबसे आसान सा चीज है। दूसरी एके मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा। हालांकि ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कोई भी दल ऐसा नहीं है जो इन फ्री वाली पॉलिटिक्स से अछूता रहा हो। घोषणाएं करना तो आसान है, पैसों का इंतजाम कहां से होगा? क्या ये खाका भी तैयार करती राजनीतिक पार्टियां ये बड़ी घोषणा करने से पहले? नहीं, देखिए ये जो मुफ्त की राजनीति है इसकी आदत पड़ी है दिल्ली में इसका सफलतम प्रयोग किया केजरीवाल जी ने और उसका उनको फायदा मिला। तो ये एक जो है, जब राजनीतिक पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, अगर कोई ज्यादातर मुफ्त की बात करे कुछ पॉइंट पे तो मैं एग्री हो सकता हूँ, लेकिन जब झड़ी लगा दे कि मुफ्त की ही राजनीति करके जीतना है तो ये वैचारिक दिवालियापन राजनीतिक पार्टियों का मैं मानता हूँ। आप इनसे पूछिए कि आप सब कुछ मुफ्त में दे देंगे, जरा इकोनॉमी समझाइए ना, आप मुफ्त में देंगे तो लाएंगे कहाँ से? अच्छा, दूसरी चीज राजनीतिक पार्टियों की होशियारी देखिए, इधर ये मुफ्त में देंगे, चुनाव जीतने के बाद क्या देंगे क्या नहीं उसका कोई भरोसा नहीं, इधर ये टैक्सेस बढ़ा देंगे तो मार तो जनता पे ही पड़ेगी। मैं ये मानता हूँ कि जब मुद्दों का दिवालियापन जो है पार्टियों के अंदर आ जाए, उनकी वैचारिक जो है मुद्दों पे वैचारिक बात करने के लिए वो उनकी उनका विवेक शून्य हो जाए, उनको एनालाइज ही ना कर पाए कि स्टेट में क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो है हम उन मुद्दों को सुदृढ़ करेंगे, यानी विकास जो होता है, जब वो उनके दिमाग में नहीं आता है तो उलझने की बातें, जिसमें मुफ्त की बातें करना एक सबसे आसान सा चीज है। दूसरी चीज है, अगर आप मुफ्त दे रहे हैं तो मैं बोलता हूँ जनता को ये बोल दो भाई हम सारे टैक्सेस हटा देंगे आपका, इससे बड़ा मुफ्त की सौगात क्या होगी? आप सारे टैक्सेस हटा दीजिए ना, न किसी को इनकम टैक्स, न किसी को सेल टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जी जी, सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं एके मिश्रा जी कि विकास के बाकी कामों का क्या होगा? आप आवास मुफ्त दे दिए, अच्छी बात है, गरीबों को आवास मिलने चाहिए, जब मकान फ्री मिल जाए, बिजली मुफ्त मिल जाए, पेट्रोल भी अब मुफ्त देने की घोषणाएं की जा रही हैं, मुफ्त अनाज का दावा पहले ही किया जा रहा है, ये तो स्वर्ग का सुख हो गया ना। लोग आलसी हो जाएंगे, उनको काम करने की जरूरत क्या? जब घर पे बैठे बैठे पड़े पड़े इतनी सुविधाएं मिल रही हैं मुफ्त की, तो फिर जरूरत क्या काम धाम करने की? ये तो जंग लगाने वाली बात हो गई ना। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये मुफ्त के जितने भी मैंडेट हैं, वादे हैं, इसमें कोई दम नहीं है। धरती लोग पे रह के स्वर्ग लोग की जन्नती बातें करना ये पॉसिबल नहीं है। मैं अपने सारे मित्रों से पूछना चाहूंगा कि जरा मुफ्त की राजनीति का आप अर्थशास्त्र बता दीजिए। बिना अर्थशास्त्र के, बिना इकोनॉमी के तो मुफ्त देगा नहीं कोई, जो है कहाँ से आएंगे, बर्डन किसके ऊपर जाए? एके मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा। हालांकि ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कोई भी दल ऐसा नहीं है जो इन फ्री वाली पॉलिटिक्स से अछूता रहा हो। घोषणाएं करना तो आसान है, पैसों का इंतजाम कहां से होगा? क्या ये खाका भी तैयार करती राजनीतिक पार्टियां ये बड़ी घोषणा करने से पहले? नहीं, देखिए ये जो मुफ्त की राजनीति है इसकी आदत पड़ी है दिल्ली में इसका सफलतम प्रयोग किया केजरीवाल जी ने और उसका उनको फायदा मिला। तो ये एक जो है, जब राजनीतिक पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, अगर कोई ज्यादातर मुफ्त की बात करे कुछ पॉइंट पे तो मैं एग्री हो सकता हूँ, लेकिन जब झड़ी लगा दे कि मुफ्त की ही राजनीति करके जीतना है तो ये वैचारिक दिवालियापन राजनीतिक पार्टियों का मैं मानता हूँ। आप इनसे पूछिए कि आप सब कुछ मुफ्त में दे देंगे, जरा इकोनॉमी समझाइए ना, आप मुफ्त में देंगे तो लाएंगे कहाँ से? अच्छा, दूसरी चीज राजनीतिक पार्टियों की होशियारी देखिए, इधर ये मुफ्त में देंगे, चुनाव जीतने के बाद क्या देंगे क्या नहीं उसका कोई भरोसा नहीं, इधर ये टैक्सेस बढ़ा देंगे तो मार तो जनता पे ही पड़ेगी। मैं ये मानता हूँ कि जब मुद्दों का दिवालियापन जो है पार्टियों के अंदर आ जाए, उनकी वैचारिक जो है मुद्दों पे वैचारिक बात करने के लिए वो उनकी उनका विवेक शून्य हो जाए, उनको एनालाइज ही ना कर पाए कि स्टेट में क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो है हम उन मुद्दों को सुदृढ़ करेंगे, यानी विकास जो होता है, जब वो उनके दिमाग में नहीं आता है तो उलझने की बातें, जिसमें मुफ्त की बातें करना एक सबसे आसान सा चीज है। दूसरी चीज है,
अगर आप मुफ्त दे रहे हैं तो मैं बोलता हूँ जनता को ये बोल दो भाई हम सारे टैक्सेस हटा देंगे आपका, इससे बड़ा मुफ्त की सौगात क्या होगी। आप सारे टैक्सेस हटा दीजिए ना, न किसी को इनकम टैक्स, न किसी को सेल टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जी जी, सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं एके मिश्रा जी कि विकास के बाकी कामों का क्या होगा। आप आवास मुफ्त दे दिए, अच्छी बात है, गरीबों को आवास मिलने चाहिए, जब मकान फ्री मिल जाए, बिजली मुफ्त मिल जाए, पेट्रोल भी अब मुफ्त देने की घोषणाएं की जा रही हैं, मुफ्त अनाज का दावा पहले ही किया जा रहा है, ये तो स्वर्ग का सुख हो गया ना। लोग आलसी हो जाएंगे, उनको काम करने की जरूरत क्या, जब घर पे बैठे बैठे पड़े पड़े इतनी सुविधाएं मिल रही हैं मुफ्त की, तो फिर जरूरत क्या काम धाम करने की, ये तो जंग लगाने वाली बात हो गई ना। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये मुफ्त के जितने भी मैंडेट हैं, वादे हैं, इसमें कोई दम नहीं है। धरती लोग पे रह के स्वर्ग लोग की जन्नती बातें करना ये पॉसिबल नहीं है। मैं अपने सारे मित्रों से पूछना चाहूंगा कि जरा मुफ्त की राजनीति का आप अर्थशास्त्र बता दीजिए। बिना अर्थशास्त्र के, बिना इकोनॉमी के तो मुफ्त देगा नहीं कोई, जो है कहाँ से आएंगे, बर्डन किसके ऊपर जाएगा, देंगी कि कहां से देंगी, कि जनता के ऊपर इधर 100 रुपए का मुफ्त दिया, उधर 200 रुपए का टैक्स लगा दिया। एक ऑप्शन मैंने और दिया कि अगर आपको नाक पकड़नी है तो सीधे सीधे पकड़िए ना, मुफ्त की राजनीति करने के बजाय आप ये बोल दीजिए हम सारे टैक्सेस हटा देंगे, जीएसटी हटा देंगे, डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो हटा देंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो हटा देंगे। अपने आप लगभग 30-40% टैक्सेस जाता है वो हट गया तो जनता का भार अपने आप कम हो गया। वो बिजली का बिल भी दे देगी, वो अपने पैसे से स्कूटी भी खरीद लेगी, पेट्रोल भी खरीद लेगी। आप बोलिए इन लोगों को कि शराब की दुकानों से जो आबकारी का टैक्स कलेक्ट होता है वो हटा देंगे, पेट्रोल पे हम जो जीएसटी इतना है, जो 35 रुपए का पेट्रोल पड़ता है, 100 रुपए में बिक रहा है, उसको हटा दे। बोले कि हम एक्चुअल प्राइस पे देंगे, मतलब सौ सुनार की एक लुहार की। अगर आपको इतना ही जनता से प्रेम है कि जनता को कोई कष्ट ना हो और फ्री में सब चीजें मिलती जाए, तो आप टैक्सेस हटा दीजिए, 40% बोझ जो है अपने आप खत्म हो जाएगा। ये हिम्मत नहीं है। बिल्कुल, मूल सवाल सर इसी बात को लेकर है कि रियायत अगर आम जनता को देनी है, आपको लग रहा है कि आम जनता पर बर्डन है, अगर कोविड महामारी का बार बार जिक्र किया जा रहा है, तो ऐसे समय में लोगों को कैसे राहत दी जा सकती है, स्कूलों की फीस के नाम पर जिस तरह से मनमानी होती उस पर कैसे नकेल कसे